हेलो एवरीवन, आज हम पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे जो कि है एल्गी लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। क्या नाम है पेपर का? एल्गी लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। अब यहाँ पर पेपर फर्स्ट, अब इसके अंदर मैंने आपको फोर यूनिट्स कंप्लीट करा दी हैं। फोर यूनिट्स कौन कौन सी हैं? यूनिट फर्स्ट, जिसमें कि जनरल कैरेक्टर आते हैं एल्गी के। क्लोरो फाइसी एंड कैरोफाइसी जीनस आ क्लासेस और इनके जीनस, जीनस कौन कौन से? वॉल्वॉक्स, उडोगोनियम, कोलियोकीट। ठीक है, और कारा। ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसके बाद में यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड के अंदर लाइकेन्स का पूरा, इनका स्ट्रक्चर, इनके रिप्रोडक्टिव फंक्शन, इनकी इम्पोर्टेंस, ये सब मैंने आपको बता दिया था। हमारी जो यूनिट बची है वो है सेकंड, जिसमें कि जेंथोफाइसी एंड फियोफाइसी, ये बच्चे हैं। ठीक है, अब इसमें भी ये सेकेंड यूनिट, फोर्थ में ब्रायोफाइटा थे, ब्रायोफाइट्स, जिसमें हमने कौन कौन से पढ़े थे? रिक्सिया, मार्केंसिया, एंड प्लेजियोकाज्मा। ये हमने काफ़ी सही अच्छे से क्लियर करे थे, मतलब आपका एक एक पॉइंट मैंने इसमें आपको समझा दिया था। ये थी आपकी फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट, जिसमें हमने एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंड ब्रायोप्सिडा, को कर लिया था। इसके साथ में इनमें हमने जो जीनस पढ़े थे वो थे एंथोसिरोज एंड स्फेग्नम। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया हमने कौन कौन सी यूनिट पढ़ ली। यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम जनरल कैरेक्टर एल्गी के पढ़ते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस, ये दो क्लासेस, और ये तीन, ये जो चार हैं ये जीनस, ये पूरा यूनिट फर्स्ट में आता है। यहाँ से
ये वाला पोर्शन यूनिट फर्स्ट का है. यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड में ये आता है. यूनिट सेकंड ये है जो हमने करी, वो यूनिट थर्ड है, उसमें ये आता है. ठीक है, लाइकेंस का स्ट्रक्चर वगैरह. और इसमें एक रोडोफाइसी और आता है, रोडोफाइसी, जो मैं आपको करवा दूंगी क्लास के बारे में. वैसे मैं आपको ये करवा चुकी हूँ, फिर भी एक बार हम से और क्लियर कर लेंगे. ये है फोर्थ, जिसमें हमने ब्रायोफाइटा के ये पढ़ लिए हैं. और ये फिफ्थ, ये एक बार आपको बताया इसलिए ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं. अब जो हमारी यूनिट बाकी रही है वो है यूनिट सेकंड. यूनिट सेकंड के अंदर हमें क्या पढ़ना है? यूनिट सेकंड में जेंथोफाइसी एंड फियोफाइसी, ये तो दो क्लासेस हैं. ठीक है, इसके बाद में हमें इसमें जो जीनस पढ़ने हैं वो है बाउचेरिया, एक्टोकार्पस एंड सार्गेसम. मैं आपको इसका पीडीएफ हैंड रिटन सेंड कर चुकी हूँ. अब हम आज जेंथोफाइसी करेंगे. इसको जो पीडीएफ था मैं आपको पहले ही सेंड कर चुकी हूँ, फिर भी आपको अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. चलिए आज हम जेंथोफाइसी के करेक्टर पढ़ेंगे. जेंथोफाइसी क्या है? देखो, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, यानी कि दिमाग को थोड़ा एक्टिवेट करो. आपने क्लोरोफाइसी पढ़ा था. जब हम कोई भी क्लास पढ़ते हैं तो कोई भी क्लास पढ़ते तो उसमें आप क्या क्या ध्यान रखते हो कि अगर आप कोई भी क्लास पढ़ते, जैसे कि आपने क्लोरोफाइसी पढ़ा, दैट मीन कि आप क्लोरोफाइसी में कौन कौन से करेक्टर पढ़ोगे. सबसे पहले आप पढ़ोगे कि ये कहाँ पाया जाता है, उसका हैबिटेट. सेकंड, मैन मैन जो हम पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं ना, उसका थैलस स्ट्रक्चर. थर्ड, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है या नहीं, यानी कि जो प्लास्टिड हैं वो कैसे हैं, प्लास्टिड. लवक, फोर्थ, इनके अंदर कौन से क्लोरोफिल प्रेजेंट हैं. फिफ्थ, इनकी सेल वॉल किसकी बनी है, किससे मिलके बनी है. सिक्स्थ, इनके अंदर रिजर्व फूड क्या है. सेवन्थ, इनके अंदर जूस पोर प्रेजेंट हैं या नहीं, चल भी जाऊं. प्रेजेंट हैं या नहीं, और प्रेजेंट भी हैं तो कैसे हैं, विप्लेस हैं या टेंसल हैं, विप्लेस हैं या टेंसल हैं. और विप्लेस टेंसल के अलावा इनके अंदर फ्लैजिला कैसे हैं, समान आकार के, कहाँ से ओरिजिनेटेड हैं, ये सब हम पढ़ते हैं. इसके बाद में रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी कैसा, सेक्चुअल और उससे पहले असेक्चुअल. असेक्चुअल प्रेजेंट है या नहीं है, सेक्चुअल प्रेजेंट है तो कैसा है, ऊगेमस, आइसो या अनाइसो. ये सब हम एक क्लास को जब पढ़ते हैं तब ये सब हम पॉइंट को लेके चलते हैं. अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करते थे तो क्लोरोफाइसी में जैसा हमने देखा था कि ये कैसे थे, फ्रेश वाटर थे. क्लोरोफाइसी की बात करें, थैलस भी इनका मल्टी सेलुलर था, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी दैट मीन क्लोरोफिल कंटेंटिंग है ना, ग्रीन वाले, ऐसी एल्गी जो कि ग्रीन है, इन्हें आप ग्रीन एल्गी भी कहते थे. अब इसमें थैलस कैसा था, यानी कि जो हैबिटेट कैसा था,
ये फ्रेश वाटर में मिलते थे, अलवणीय जल में। ठीक है, थैलस यूनि से, एक कोशिकी से मल्टी बहुकोशिकी हो सकता है सेलुलर। ठीक है, प्लास्टिड में, प्लास्टिड के अंदर, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थे, क्लोरोप्लास्ट हरितलवक, और नाम से ही क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफाइसी। ठीक है, और यहां पर अगर हम क्लोरोफिल की बात करें इनके अंदर, तो इनके अंदर क्लोरोफिल में ए बी एंड कैरोटीन मिलते थे। ओके, और क्योंकि इनके अंदर ए और बी मिलता था, क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते थे, इसलिए इसको ग्रीन एल्गी कहा जाता था। सेल वॉल कैसा है, ग्रीन कलर का एल्गी है, तो जनरली किससे बना हुआ होगा, इनकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती थी सेल्युलोज से एंड पेक्टिन से, मैनली सेल्युलोज से। उसके साथ इनके अंदर रिजर्व फूड, क्योंकि ग्रीन एल्गी है तो क्या होगा, स्टार्च, प्लांट की तरह ही है ऑलमोस्ट, है ना, प्लांट में भी ये सब होता है। इनके अंदर जो रिजर्व फूड था वो स्टार्च था, और कभी कभी आपको ऑयल की ड्रॉपलेट्स भी मिलती थी। जूस पोर कैसे थे, जूस पोर आपको विप्लेस टाइप के मिलते थे, जिनके पास में दो से चार, यानी 2 to 4 फ्लैजिला मिलते थे। ओके, विप्लेस मतलब दोनों ऐसे स्मूथ एकदम। अगर असेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो असेक्चुअल रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट था, और ये होता था जूस पोर्स के थ्रू या अपेलेनोस्पोर्स, यानी चल बीजाणु, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, इनके द्वारा। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, सेक्चुअल में इनमें आइसो से लेके उगेमस तक सब मिलते थे, यानी कि आइसो एन आइसो उगेमस सारे। जायगोट, और यहां पर जो जायगोट था वो बन के रेस्टिंग फेज में चला जाता था, रेस्टिंग फेज में चला जाता था। रेस्टिंग फेज क्या होती है, जहां पर ये आराम करता है, विश्रामा वस्था। ओके, ये तो बात हुई थी क्लोरोफाइसी की, हमें क्या पढ़ना है, जेंथोफाइसी। ये आपको इसलिए बताया ताकि आप लोग एक बार सबसे कनेक्टेड हों कि हमने क्या पढ़ा था। अब एक पॉइंट और, ये थी क्लोरोफाइसी। अब आप जब कैरोफाइसी के करैक्टर पढ़ते हैं, तो कैरोफाइसी के करैक्टर में आपको ऑलमोस्ट आपको क्लोरोफाइसी जैसे ही करैक्टर मिलते हैं, हैबिटेट फ्रेश वाटर मिलता है, थैलस यूनि से मल्टीसेलुलर। इसमें आप कारा को लेके चलिए, मोस्ट ऑफ कारा और नाइटेला आते हैं इसके अंदर, नाइटेला मोस्टली हम इन्हें पढ़ते हैं। थैलस मल्टीसेलुलर, प्लास्टिड में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलता है इनके अंदर भी। अगर क्लोरोफिल की बात करें तो ए भी मिलता है। सेल वॉल पेक्टिन एंड सेलुलोज से मिलके बनी, रिजर्व फूड में स्टार्च ही होता है, जूस पोर्स इस तरह के ही मिलेंगे। तो ये आपको पूरा ही कैरोफाइसी आपको क्लोरोफाइसी से मिलता हुआ दिखता है। तो देखिए कुछ जगह पे क्या किया गया है, कारा को अलग से डिनोट किया गया है कैरोफाइसी के अंदर, और कुछ जगह पे कारा को क्लोरोफाइसी क्लास में ही बता दिया जाता है। तो इसे आप साथ में और अलग अलग दोनों पढ़ सकते हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो है जेंथोफाइसी। चलिए स्टार्ट करते हैं, इन पॉइंट्स के अंदर ही पढ़ेंगे। क्या क्या हटाना है, ठीक है चलिए। और ये ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
जेंथो, फाइसी, जेंथोफाइसी। अब जेंथोफाइसी के अंदर जो जो हमने क्लोरोफाइसी और इनके अंदर पढ़े हैं कि इनका हैबिटेट कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर है, वो सब हमें जेंथोफाइसी के अंदर भी पढ़ना है। जेंथोफाइसी को कौन सी एल्गी बोला जाता है? तो नाम याद रखिएगा, इसे कहा जाता है येलो, ग्रीन एल्गी। येलो ग्रीन एल्गी क्यों कहा जाएगा? दैट मीन इसके पास ग्रीन कलर तो कम होगा, दैट मीन इनके पास में क्या कम होगा, जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो कम होगी और कैरोटीन्स ज़्यादा होंगे, इसलिए ये येलो ग्रीन कलर इनको मिलता है और इसलिए इनका नाम येलो ग्रीन हुआ। अब अगर इनके थैलस की बात करें, सबसे पहले हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट में देखिए, हैबिटेट के अंदर ये आपको फ्रेश वाटर में मिल जाता है अलवणीय जल में, ओके। और आपको कुछ जो हैं, कुछ सम एल्गी आपको मिलती हैं सलाइन वाटर में, लवणीय जल में, लवणीय जल में, और कुछ मिलती हैं आपको मैरीन वाटर में, समुद्री। ओके, थैलस, थैलस की बात करें तो ये हमें यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय से लेके बहुकोशिकीय तक मिलता है, मल्टी सेलुलर तक मिलता है, ठीक है। और यूनि से मल्टी सेलुलर में भी ये आपको कैसा कैसा मिल सकता है थैलस, इनमें मोस्ट ऑफ आपको मिलेगा फिलामेंटस, तंतुकीय, तंतुकीय, साइफनस, साइफनस कंडीशन जिसमें पूरा एक साइफन लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर देखा था आपने, ठीक है, इस तरह से थैलस मिलता है। और आपको कभी कभी ये पेरेंकाइमेटस भी मिलता है, तो यहां पर पेरेंकाइमेटस को भी ध्यान रखना। मृदुत्तकीय काइमेटस, मृदु अब अगर बात करें इनके अंदर सेल वॉल की, क्या आया, चले पहले इसको देख लेते हैं, प्लास्टिड, प्लास्टिड की बात करें, यानी कि प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। अब वो लवक जरूरी नहीं हमेशा क्लोरोप्लास्ट ही हो, वो किसी भी तरह का प्लास्टिड हो सकता है, पिगमेंट को स्टोर करने वाला, फूड को स्टोर करने वाला, जैसे कि अगर पिगमेंट को स्टोर करता है तो हम उसे प्लास्टिड कहते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया जो कि ग्रीन को करता है, क्रोमेटोप्लास्ट हो गया जो कि डिफरेंट कलर को करता है, एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, एमाइलोप्लास्ट करता है स्टार्च को कंटेन, ल्यूकोप्लास्ट ये भी प्लास्टिड के ही टाइप है, ये किसको करता है, फैट को कंटेन। तो इस तरह से प्लास्टिड डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इनके अंदर कैसा प्लास्टिड मिलता है, इनके अंदर जो प्लास्टिड है वो क्रोमेटोप्लास्ट है, यानी कि जो कलर को कंटेन करता है। अब उसमें भी यहां पर देखें तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि इनके अंदर क्रोमेटोप्लास्ट मिल रहा है एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्रोमेटोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट के अलावा इनके अंदर क्लोरोफिल की बात करें कि इनके अंदर लवक कौन कौन से मिल रहे हैं, इन इन प्लास्टिड्स के अंदर कौन से लवक प्रेजेंट हैं, तो इनमें
याद रखना क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई। आपने क्लोरोफाइसी के अंदर ए और बी पढ़ा था, यहाँ पर बी नहीं है, ई है। ओके, इसके अलावा कैरोटीन, कैरोटीन में भी बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स, नाम इसीलिए जेंथोफाइसी पढ़ा, जेंथोफिल्स। अधिकता किसकी मिलेगी, हाई अमाउंट में ये मिलता है, मैक्सिमम ये मिलेगा, इसलिए कैसा कलर हो जाता है एल्गी का, येलो ग्रीन। ठीक है, अब सेल वॉल की बात करें अगर इसकी, तो इनकी जो सेल वॉल है वो या तो हो सकता है एब्सेंट हो या हो सकता है प्रेजेंट हो। ठीक है, इसे दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि समझ पाए आप। या तो हो सकता है प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, सेल वॉल कोशिका भित्ति। ठीक है, और अगर प्रेजेंट हुई, अगर प्रेजेंट हुई इसकी बात कर रही हूँ मैं, तो ये जो सेल वॉल है इसके अंदर आपको सेल्यूलोज, ऐसे मानो कि पेक्टिन से बनी हुई मिलेगी। पेक्टिन की अधिकता होगी, हाईली प्रेजेंट होगा एंड सेल्यूलोज कम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि क्लोरोफाइसी से हम जेंथोफाइसी में आ गए हैं, जिसके पास जो कि थोड़ी सी येलो भी है, इसलिए यहाँ पे पेक्टिन से बनी हुई सेल वॉल मिलती है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर जो ये क्रोमेटोफोर है, इस क्रोमेटोफोर के पास में पायरेनॉइड एब्सेंट होता है। ठीक है, रिजर्व फूड की बात करें तो रिजर्व फूड इनके अंदर ल्यूकोसिन होता है, ल्यूकोसिन, हिंदी में ल्यूकोसिन ही कहेंगे। ओके, अब ये ल्यूकोसिन क्या है, ये ल्यूकोसिन भी एक तरह का स्टार्च है, एक ऐसे मान लो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ पर ल्यूकोसिन के अलावा कुछ थोड़ा सा ऑयल ड्रॉपलेट्स और थोड़ा सा आपको फैट भी मिलेगा, वसा। अगर जूस पोर की बात करें, अब मैं इसकी बात कर रही हूं, चलिए इसे अब हम क्लियर कर दें। हो जा, ठीक है, अगर जूस पोर की बात करें, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सीधे जल्दी से, तो जो जूस पोर है वो आपको कैसा मिलता है, यहाँ पर, यहाँ पर जूस पोर मोटाइल होगा, गतिशील, उसके साथ साथ विप्लेस फ्लेजिला प्रेजेंट होंगे, विप्लेस हैं फ्लेजिला, ठीक है, एंड जो इनकी लेंथ है दो, नंबर कितना है दो, और जो लेंथ है इनकी वो अनइक्वल होती है। यहां तक क्लियर हुआ, अब जूस पोर के थ्रू ये क्या करते हैं, यानी कि हम असेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन पे आ गए, अब हम असेक्चुअल रिप्रोडक्शन में ये जूस पोर से, क्योंकि यहाँ पे जूस पोर्स बन रहे हैं ना, जूस पोर से अपलेनोस्पोर्स, यानी चल भी जाणु, अचल भी जाणु, सुप्त भी जाणु,
जितने भी हैं हिप्नोस्पोर इन सब से करते हैं, चल अचल सुप सारे तरह के बीजाणु यहाँ पे असेक्चुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। अब सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्चुअल की लैंगिक जनन ये होता है इनके अंदर मोस्टली आइसोगेमस टाइप का, मोस्टली मिलता है आइसोगेमस, और आइसोगेमस से लेके आपको ऊगेमस तक भी मिलता है, मतलब समयुग्मकी से विषमयुग्मकी तक का मिलता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। और इनका जो जायगोट बनेगा वो रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, तो यहाँ पर हमारा जेंटोफाइसी के करेक्टर कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे जहाँ पर हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि जेंटोफाइसी का मेंबर होगा, यानी कि जेंटोफाइसी का जीनस, ठीक है, वाउचेरिया। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। टिल देन लर्न करते रहिए, थैंक यू।